देखिए तंत्र जो है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ही भयानक डरावना हॉरर शो है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा सुपर नेचुरल शो है, लेकिन इसमें एक बहुत बढ़िया कहानी भी है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल ड्रामा, जो सोशल डेली सोप्स होते हैं, प्लस अंडर करंट ऑफ ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल है। तो अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये आपको काफ़ी अच्छे अच्छे शोज़ की याद दिलाता है, कहानी की, कसौटी की, व्हेन इट कम्स टू अवर फैमिली, फिर आपको कुछ थ्रिलर शोज़ की याद दिलाएगा। तो इसका जो, इसको बहुत अच्छी तरह बांधा गया है स्क्रिप्ट को, जिसमें आपको फैमिली आपको रुलाएंगे भी, आपको कॉमेडी भी, आपको हंसाएंगे भी, सब कुछ करेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे एक थ्रिलिंग मोमेंट आएगा जो आपको एज ऑफ द सीट खड़ा कर देगा कि नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है। देखिए, जहाँ तक ब्लैक मैजिक की बात है, वो इसका एक फाउंडेशन है ऑफकोर्स। तो पृथ्वी खन्ना जो मेरा रोल है, वो एक ड्रीम हाउस बनाता है, खन्ना हाउस, जिसका नाम है जलसा, और वो अपने पूरे परिवार को इस घर में बोलता है साथ रहने के लिए। और जब वो रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एपिसोड्स में पता लगता है कि जो उसके इतने सालों से उसका जो सपना था, उसने जो घर बनाया इवेंचुअली इतने टाइम बाद, उसी घर के ऊपर कुछ तंत्र हुआ हुआ है। किसने किया है, क्यों किया है, वो जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है हमें पता लगता है। बहुत ही ठहराव है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, मैंने हीरो, विलेन, कॉमेडी, होस्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग सब कुछ कर लिया, और ये थोड़ा मैच्योर रोल है। पृथ्वी खन्ना बहुत ही, एक तो सबसे पहले वो भगवान में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। उसे ये विश्वास है कि इंसान अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत से और विश्वास से लिखता है, जो वो प्रूव करता है और वो करता भी है। दूसरा, हर के साथ उसका एक रिलेशन है, बीवी के साथ एक अलग इमोशन है, बेटी के साथ एक अलग इमोशन है, तो वेरिएशन बहुत है कैरेक्टर में। दूसरा, जैसा मैंने कहा, ठहराव बहुत है, तो ऐसे ठहराव वाले रोल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस स्पेस में मुझे रोल मिला है जो सेंट्रल भी है और साथ साथ हर कैरेक्टर के साथ वीव्ड है। मतलब कोई भी कैरेक्टर बिना पृथ्वी खन्ना की खाली है, ये घर भी उसका है, परिवार भी उसका है, तो हर कैरेक्टर का जो धागा है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके शेड्स भी बहुत हैं, कई जगह वो एरोगेंट भी है, माँ के साथ उसका एक अलग नेचर है। तो आई थिंक इट्स एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं व्यूअर्स को ये कहूँगा कि तंत्र आ रहा है, देखिए इसको, हिट कीजिए, इसकी TRP बढ़ाइए, और आज तक आपने कलर्स के शो को बहुत पसंद किया है, और मैं काफ़ी टाइम TV से गायब था, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि जितना प्यार लोगों ने मुझे भाभी, कहानी, कसौटी, सारा काश, नजबली में दिया है, उतना ही प्यार वो मुझे अब तंत्र में भी दें।